जिस तरह से जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार ओजोन लेयर भी हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह ओजोन परत की कमी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के मुमकिन निष्कर्षों की खोज करने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, सर्दियों की तुलना में अधिक गर्मी होती है, सर्दियाँ अनियमित रूप से आती हैं और हिमखंड गलना शुरू हो जाते हैं। ओजोन परत के नष्ट होने के कारण अनेकों दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति पर हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं, जो बेहद ही गर्म होती हैं और पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के लिए काफी हानिकारक होती है। शरीर में इन कारणों की वजह से स्किन कैंसर, अल्सर, मोतियाबिंद जैसे घातक बीमारियाँ हो सकती हैं। अधिकांश वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ओजोन लेयर के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओजोन लेयर के सुरक्षित ना होने से लोगों, पौधों और पशुओं के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि पानी के नीचे का जीवन भी ओजोन की कमी के कारण नष्ट हो जाएगा। 1994 से 16 सितंबर को हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सभी देशों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन ओजोन परत के बचाव के लिए विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। 19 सितंबर 2000 को ओजोन परत की कमी के कारण मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन दुनिया भर के हानिकारक पदार्थों और गैसों को समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के वार्षिक उत्सव की अपनी थीम होती है और यह थीम साल दर साल बदलती रहती है। इस साल यानी कि 2020 का थीम है जीवन के लिए ओजोन। यह थीम यह बताती है कि ओजोन पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह भी संकेत करती है कि हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना चाहिए। ओजोन लेयर हमारे लिए एक तरह से फिल्टर का काम करती है, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य और अन्य जीवों को अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ओजोन लेयर को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उसको संरक्षित कर सकते हैं, ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में वायुमंडल में बनी रहे और इससे ओजोन लेयर का निर्माण होता रहे।